ओम श्री गणेशाय नमः दोस्तों, ओम गणपति समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं 25 जुलाई रविवार आज के कर्क राशि के दैनिक राशि फल के बारे में कि आज के दिन इनको किन चीजों से फायदा होगा और किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा और साथ ही इनका बिजनेस और व्यवसाय कैसा रहेगा, कैरियर कैसा रहेगा, घर परिवार कैसा रहेगा और इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी और साथ ही स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण जानकारी भी हम आपको देंगे और आज के दिन को और भी अच्छा और बेहतर बनाने के लिए एक उपाय भी बताएंगे। दोस्तों वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं जिससे आप तक समय समय पर नई नई महत्वपूर्ण वीडियो पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैसा रहेगा आज का दिन। पहले बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या पॉजिटिव रहने वाला है। दोस्तों आज का दिन व्यापारिक कार्यों में मिले जुले परिणामों को दर्शाने वाला रहने वाला है। साथ ही कार्य क्षेत्र पर काम धंधे से संबंधित कार्यों में मिश्रित परिणाम हासिल होंगे। कुछ कार्यों को लेकर रुकावटें और परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं और साथ ही रुकी हुई पेमेंट या रुका हुआ धन अचानक से मिल जाने से काम के प्रति आपका मनोबल ऊंचा होगा। नौकरी में भी कुछ कर्मचारियों पर लापरवाही को देखते हुए सख्ती की जा सकती है। साथ ही कारोबार में बढ़ोतरी की भी योजना बनाने से पहले उसे गुप्त रखें, व्यापार में उन्नति का मार्ग इससे प्रशस्त होगा। हालांकि आज आपका भाग्य थोड़ा कमजोर कहा जा सकता है, कार्य में सफलता मिलते मिलते अटक भी सकती है, इसलिए अधिक प्रयास करना आपके लिए अति आवश्यक होगा। दाम्पत्य जीवन में से जो तनाव दूर होगा लेकिन सुदूर यात्रा पर जाना हानिकारक रहेगा। हालांकि इससे कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी, कार्य क्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा, घर परिवार में सुख शांति की बढ़ोतरी होगी। अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा, भाई बहनों से आपके संबंध और रिश्ते अच्छे रहेंगे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव रहने वाला है। घर परिवार और संतान के प्रति चिंता उत्पन्न हो सकती है, साथ ही आमदनी अच्छी होने के साथ साथ खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति आपकी डगमगा सकती है। अतः जरूरी बजट बनाकर चलना आपके लिए आवश्यक होगा। साथ ही क्रोध और अपनी ईगो पर भी नियंत्रण रखना होगा, इससे परिस्थितियां आपके अनुकूल बनी रहेंगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके व्यवसाय के बारे में। आज आप ये सुनिश्चित कर लें आप आज आर्थिक अवसरों को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी व्यवसायिक ताकत लगा देंगे और गतिविधियों के क्षेत्र में आज आपको असीमित लाभ होने की संभावना है। आज आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप अपनी सारी कुशलता एक अच्छा स्थान ग्रहण करने के लिए ही लगा दें और आप अपने कार्य में से सजग रहें तो निश्चित ही आपको आर्थिक लाभ का अवसर भी प्राप्त होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। रोमांस के विवादों एवं टकरावों से बचते हुए अपने प्यार को बरकरार रखने के प्रयास करें। बोलने से पहले यदि एक बार सोच लेंगे तो आप अपने साथी के मिजाज को बिगड़ने से बचा सकते हैं। हालात को बिगड़ने से बचाने का प्रयास करें, आप शांत रहकर समझदारी से माहौल को बिगड़ने से बचाने का प्रयास करें। इससे जीवन साथी का आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा और प्रेम जीवन के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है। आज स्वास्थ्य से संबंधित कोई पुरानी समस्या उत्पन्न हो सकती है, जैसे हाई बीपी या मानसिक टेंशन डिप्रेशन बढ़ सकता है, इसलिए आज आपको योग और व्यायाम करने से फायदा हो सकता है। आपको महसूस होगा कि नियमित योग करने से आपके अंदर आंतरिक बदलाव आ रहा है और आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर हो रहा है। दोस्तों आज आप ये ज्योतिष उपाय अवश्य करें, चींटियों को मीठा आटा डालें और साथ ही सूर्य देव को जल अर्पित करें और वहीं पर आसन ग्रहण करके 108 बार ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। दोस्तों ऐसा करने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपको सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त हो। कमेंट में जय सूर्य देव से लिखें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ और मंगल।